नमस्कार सभी को, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय का प्रकरण पढ़ रहे थे और हमने कृत प्रत्यय को पढ़ लिया था। तद्वित प्रत्यय का हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम तद्वित प्रत्यय में अण प्रत्यय और ठण प्रत्यय, इत प्रत्यय इत्यादि प्रत्ययों की जानकारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए, पहला अपना कौन सा है, इसमें तद्वय प्रत्यय में कौन सा है, अण प्रत्यय। अण प्रत्यय क्या होता है कि अपत्य, अपत्य पुत्र, अपत्य पुत्र या पुत्री अर्थ में शब्द से अण प्रत्यय का योग किया जाता है। यानी कि किस में किया जाता है, पुत्र या पुत्री अर्थ में शब्द से अण प्रत्यय का योग किया जाता है। ठीक है, अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर की क्या होती है, वृद्धि होती है। अण प्रत्यय कर देंगे उसके बाद में क्या होगा, आदि स्वर की हमारी वृद्धि हो जाएगी। यानी कि पहले क्या कह रहा है, अपत्य पुत्र या पुत्री अर्थ में शब्द से अण प्रत्यय का क्या करना है, योग करना है। ठीक है, उसके बाद में अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसके उदाहरण क्या है। देखो, वसुदेव अणः। ठीक है, वसुदेव अणः इसमें किसके किसके कर रहा है, पुत्र की। यानी कि वसुदेव प्लस अणः तो वासुदेवः। ठीक है, कौन है, वासुदेव का पुत्र है। ठीक है, वासुदेव, वासुदेव कौन है, वासुदेव का पुत्र जो है उसको क्या कहेंगे, वासुदेवः। ठीक है, वासुदेव जो शब्द है उसमें अण प्रत्यय को जोड़ करके हम क्या बना देंगे, वासुदेवः। ठीक है, उसके बाद में वशिष्ठ अणः। वशिष्ठ अणः में क्या हो गया, वशिष्ठ शब्द प्लस अण प्रत्यय को योग करके हम क्या बनाएंगे, वासिष्ठः। ठीक है, ये किसके लिए, पुत्र के लिए इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अण प्रत्यय का जो है हम योग कर रहे हैं तो इसमें पुत्र के बारे में बता रहा है। विश्वमित्र, विश्वमित्र। ठीक है, विश्वमित्र प्लस अण प्रत्यय तो इसका क्या हो गया दोस्तों, विश्वामित्रः। ठीक है, इसके बाद देखिए अश्वपति अणः। ठीक है, तो इसका हो गया अश्वपतः। यानी कि अश्वपति और अणः को जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अश्वपतः। ठीक है, उसके बाद देखिए यदु प्लस अणः, यदु प्लस अणः तो इसका क्या हो जाएगा, यादवः। ठीक है, यथा देखिए वासुदेवः कृष्णः पूज्य अस्ति। यानी कि वासुदेव जो है वो क्या है, कृष्ण के कौन है, पूज्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए मनुधन अणः, मनुधन अणः तो इसका क्या बन गया, मनु और अण को जोड़ेंगे तो मानव बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो पुत्र धन अणः तो पौत्र। यहां पर क्या बता रहा है, मतलब पुत्र और अण प्रत्यय को करेंगे तो पौत्र बन जाएगा, यानी कि पुत्र का भी पुत्र। ठीक है ना, इसके बाद देखिए पुरुधन अणः, पुरुधन अणः तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कौरवः, कौरवः। ठीक है, इसके आगे देखिए दनुधन अणः, दनुधन अणः तो इसका क्या हो जाएगा, दानवः, दानवः। और पंडुधन अणः, पंडुधन अणः तो इसका पांडव। यानी कि ये कौन है, पांडु के पुत्र है, ये कौन है, दानव है, ये कुरुधन अण कौन है, कौरव है। ठीक है, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, वशिष्ठ धन अण तो वासिष्ठ। ठीक है, विश्वामित्र धन तो विश्वामित्र। ठीक है, अश्वधन अण तो अश्वपत। ठीक है, इसके बाद यदुधन अण तो यादव। ठीक है, यथा यानी कि फिर भी देखिए कि वासुदेव कृष्ण पूज्य अस्ति। यानी कि वासुदेव जो है वो कृष्ण के पूज्य हैं।
इसके आगे देखिए मनु धनाना तो मानव, ठीक है, पुत्र धनाना तो पौत्र है ना, गुरु धनाना तो कौरव है, और धनु धनाना तो दानव, और पंडु धनाना तो पांडव, यानी कि पांडव, पंडु धनाना तो क्या हो जाएगा हमारा पांडव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब और भी इसमें आगे देखते हैं, देखिए देखो भाव में भी अण प्रत्यय होगा, किसमें होगा भाव में, वहां क्या हो रहा था पुत्र पुत्री में मतलब अण प्रत्यय का योग करेंगे तो अभी अण प्रत्यय हो रहा था, यहाँ क्या कह रहा है कि भाव में भी अण प्रत्यय होगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे थे जैसे कुशल धन अणहा, कुशल धन अणहा, ठीक है, तो इसका क्या हो गया भाव में क्या बता रहा है कौशलम, गुरु धन अणहा तो ये भी भाव में क्या कह रहा है गौरव, यानी कि कौशल का भाव प्रकट कर रहा है, गौरव का भाव प्रकट कर रहा है, शिशु धनाना तो शैशवम, ठीक है, इसके बाद देखिए मृदु धनाना तो मार्दवम, लघु धनाना तो लाघवम, यानी कि यहां पर हमारे भाव के जो है उसमें प्रकट कर रहा है अण प्रत्यय हो रहा है, भाव में भी क्या होगा अण प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कुशल धनाना कुशलम, कौशलम, गुरु धनाना गौरवम, शिशु धनाना शैशवम, मृदु धनाना मार्दवम, और लघु धनाना लाघवम। ठीक है, यहां तक हो गया। जैसे देखिए कर्मेषु कौशलम शोभनम अस्ति, ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि इसका जो कर्म का जो कौशल है वो बहुत ही शोभित है या सुशोभित है या शोभायमान है। ठीक है, यानी कि अच्छे से कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हमारा कौन सा प्रत्यय है ठक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है ये ठक प्रत्यय, देखिए ठक प्रत्यय है एक प्रत्यय, इसमें क्या कह रहे हैं दोस्तों कि शब्दों से भाव अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान किया जाता है, यानी कि जो हमारे शब्द हैं उनसे भाव के अर्थ में ठक प्रत्यय का क्या किया जाता है विधान किया जाता है। ठीक है, ठक का एक हो जाता है, ठीक है, ठक का क्या हो जाता है एक हो जाता है ना, तथा शब्द के आदि स्वर वृद्धि हो जाती है, उसमें भी क्या हो रहा था शब्द के आदि स्वर में वृद्धि हो रही थी, इसमें भी क्या अण में भी क्या हो रहा था वृद्धि भी हो रही थी, उसमें भी क्या हो रही है आदि स्वर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि ठक के स्थान पर इसमें क्या हो रहा है एक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ठक के प्रत्येक का विधान किसमें किया जाता है भाव के अर्थ में किया जाता है। देखिए उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बाच धन ठक, बाच धन ठक, तो इसका क्या हो गया बाच का, ठीक है, यानी कि बाच धन ठक क्या कर दिया हमने बाचक बना दिया। आगे देखते हैं देखिए शरीर धन ठक, शरीर धन ठक तो शारीरिक, धर्म धन ठक तो धार्मिक, कर्म धन ठक तो कार्मिक, नगर धन ठक तो नागरिक, भूत धन ठक तो भौतिक, और आध्यात्म धन ठक तो आध्यात्मिक, यानी कि इसको हम क्या कर रहे हैं कि जो ठग प्रत्यय है उसका हम योग जो है वो भाव अर्थ में कर रहे हैं। जैसे देखो आप शरीर धन ठक, ठीक है, तो क्या हो गया शारीरिक है ना, धर्म धन ठक तो धार्मिक, यहां भाव को देख रहे हैं, कर्म धन ठक तो कार्मिक, नगर धन ठक तो नागरिक है ना, भूत धन ठक तो भौतिक, और आध्यात्म धन ठक तो आध्यात्मिक हमारा यहां हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारा कौन सा प्रत्यय है इतच या इत प्रत्यय, इतच या इत प्रत्यय, ठीक है, जैसे इसमें क्या कह रहा है कि सहित या युक्त अर्थ में तारक आदि शब्दों से इतच प्रत्यय का योग किया जाता है,
यानी कि सहित या युक्त में। अर्थ में क्या करते हैं, तारक आदि शब्दों से क्या करते हैं हम, इतच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए तारक धन इतच, तारक धन इच, तो इसका क्या हो गया तार्किक, तार्किक। ठीक है, पिपासा धन इतच तो पिपासित। ठीक है, इसके बाद देखिए कुसुम धन इतच, कुसुम धन इतच तो कुसुमित। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो है हम इसके इतच के जो है वो उदाहरण को देख रहे हैं। इसमें बोला है कि हम युक्त सहित या तारक आदि शब्दों में हम क्या करेंगे, इतच प्रयोग करेंगे। तारक धन इतच तो तार्किक, पिपासा धन इतच तो पिपासित, सुमन धन कुसुम धन इतच तो कुसुमित। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बुभुक्षा धन इतच तो बुभुक्षित, कंटक धन इतच तो कंटकित, और गर्व धन इतच तो गर्वित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम कौन से के देख रहे हैं उदाहरण, इतच प्रत्यय के देख रहे हैं। तो बुभुक्षा प्लस इतच तो बुभुक्षित, कंटक धन इतच तो कंटकित, और गर्व धन इतच तो क्या हो जाएगा, गर्वित हमारा हो जाएगा। और भी हम आगे देखते हैं इसको उदाहरण, देखिए दोस्तों, देखिए क्षुदा धन इतच, क्षुदा धन इतच तो क्षुद्धित, क्षुदा धन इतच क्या हो गया क्षुद्धित, अंकुर धन इतच तो अंकुरित। ठीक है, हर्ष धन इतच तो हर्षित है ना, और दीक्षा धन इतच तो दीक्षित। ठीक है, इसमें हमें कौन सा प्रत्यय कर रहे हैं, इतच प्रत्यय का योग कर रहे हैं, यानी कि शब्दों के साथ हम इतच प्रत्यय का योग कर रहे हैं। जैसे व्याधि धन इतच तो व्याधित, और उत्कंठ काष्ठा धन इतच तो उत्कंठित। ठीक है, तरंग धन इतच तो तरंगित। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हम इतच या इत प्रत्यय का प्रयोग हम इसमें कर रहे हैं। जैसे बुभुक्षितः केन करोति पापम, ठीक है, उसके बाद लिखिए क्षुत्यतः बालकः इतस्तः भ्रमति। ठीक है, उसके बाद पिपासितः काका जलम अनवेशयति। ठीक है ना, यानी कि इसमें हमारे जो है उनको हम जो है शब्दों के साथ इतच प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हमारा कौन सा है, त्व और तल, त्व तथा तल। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से त्व और तल ता प्रत्ययों का योग किया जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से त्व और तल, ठीक है, प्रत्ययों का क्या करना है, योग करना है। भाववाचक संज्ञा बनानी है हमें, शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है तो उसमें त्व या तल प्रत्ययों का योग हमें करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए मूर्खः धनत्व, मूर्खः धनत्व तो इसमें क्या हो गया मूर्खत्व। ठीक है, और देखिए मूर्खः धन तलः तो मूर्खता। ठीक है, यानी कि त्व लगा दिया तो मूर्खत्व, और मूर्ख प्लस तल कर दिया तो मूर्खता हो गया। ठीक है, तल का ता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए विद्वस धनत्व तो विद्वतम। ठीक है, इसके बाद में विद्वस धन तल तो विद्युता है ना, यानी कि तल जहां आ जाए तो वहां पर हमें क्या करना है, ता करना है। ठीक है दोस्तों, और त्वय आ जाए तो हमें त्वय का त्वयम लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें जो भाव संज्ञा जो भाव से प्रकट होने वाले जो शब्द हैं उन्हें जो भाव के लिए प्रकट किए जाते शब्द हैं उसमें हमें त्वय या तल प्रत्यय का योग करना है।
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, महत धन त्वम, महत धन त्वम, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा महत्व, है ना। अब इसमें तल में अपन करेंगे तो महत्ता, ठीक है, और इसमें त्वम को करेंगे तो महत्वम, ठीक है दोस्तों। पवित्र धन त्वम तो पवित्रम, है ना, और पवित्र धन तल का योग करेंगे तो पवित्रता, ठीक है। पशु शब्द में त्वम प्रत्यय का योग, त्व प्रत्यय का योग करेंगे तो पशुत्व बनेगा, और पशु शब्द में तल प्रत्यय का योग करेंगे तो पशुता बन जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में गुरु शब्द में त्वम का, त्व का योग करेंगे तो गुरुत्वम, और गुरु शब्द में तल का योग करेंगे तो गुरुता बन जाए, यानी कि त्व और तल जो है हमारे उसमें हम उसके हम उदाहरण को देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लघु प्लस त्व तो लघुत्तम, लघु प्लस तल तो लघुता, मित्र प्लस त्वम तो मित्रम, और मित्र प्लस तल तो मित्रता, ठीक है दोस्तों। ये यहां तक हो गया हमारा, यानी कि हमें भाववाचक संज्ञा के साथ में त्व या तल प्रत्यय को जोड़ना है, तो हमारी उदाहरण आ गए, महत्धनत्वम महत्वम, महत्धनतल महत्वा, पवित्रधनत्वम पवित्रम, पवित्रधनतल पवित्रता, पशुधनत्वम पशुत्तम, और पशु धनतल पशुता, ठीक है, गुरुधनत्वम गुरुत्तम, और गुरुधनतल गुरुता। आगे देखिए लघुधनत्वम लघुत्तम, और लघुधनतल तल लघुता, और मित्रधनत्वम मित्रतम, और मित्रधनतल मित्रता, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए इसमें और क्या हो रहा है कि त्व प्रत्ययांत शब्द क्या होंगे, नपुंसक लिंग होंगे, त्व प्रत्ययांत शब्द क्या होंगे, नपुंसक लिंग होंगे, ठीक है दोस्तों। इनके रूप फल शब्द और नपुंसक लिंग में किसकी तरह चलेंगे दोस्तों, फल शब्द की तरह चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए ता प्रत्ययांत शब्द कैसे होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, और इसके रूप किसकी तरह चलेंगे दोस्तों, रमा की तरह। ये त्व प्रत्ययांत शब्द होंगे नपुंसकलिंग, ये फल की तरह चलेंगे, और ता प्रत्ययांत जो शब्द है वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, वो रमा शब्द रूप की तरह चलेंगे, ठीक है दोस्तों। यहां तक हो गया हमारा, इसके आगे हम चलते हैं। देखिए यत, यत क्या कह रहा है कि शारीर शरीर के अवयव वाची शब्दों से होने वाला इस अर्थ में यत प्रत्यय का योग किया जाता है, यानी कि शरीर के अवयव वाची, शरीर के अवयववाची शब्दों से होने वाला इस अर्थ में यत प्रत्यय का योग करते हैं, कि शरीरवाची जो शब्द है, शरीर के अव्यवाची जो शब्द है उनसे होने वाला जो है इस अर्थ में हम यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। देखिए उदाहरण क्या कह रहा है कि कंठ प्लस यत, तो इससे क्या हो रहा है, कंठ क्या है, शरीर, शरीर में ही तो है कंठ, ठीक है, कंठ प्लस यत तो कंठे भवनम या कंठयम, ठीक है, यह क्या हो जाए, कंठयम, ठीक है। इसके बाद देखिए दंत यत तो दंते भवम या दंतम, ठीक है, दांत शरीर में ही है, शरीर के अव्यवी अव्यवाची तो है, ठीक है। इस पर ओष्ठ धन यत तो ओष्ठे भवम तो ओष्ठयम, यानी कि ये जो यत जो है वो हमारे शरीर के अव्यववाची जो शब्द है उनसे होने वाला अर्थ में यत प्रत्यय का हम योग करेंगे, तो कंठ यत तो कंठे भवम या कंठयम, ठीक है, दंत यत दंते भवम या दंतयम।
आगे देखिए ओष्ठ प्लस ओष्ठे भवम या ओष्ठ्यम। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखिए कौन सा आ गया हमारा थाल या था, थाल या था। तो इसमें क्या कह रहा है, थाल या था में क्या कह रहा है, किम आदि सर्वनामों से प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय का योग किया जाता है। यह क्या कर रहा था, होने वाले अर्थ में, और यह क्या कर रहा है, प्रकार के अर्थ में कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करे जाए, और इसमें क्या रहता है, थाल का था जो है वो इसमें शेष रहता है। ठीक है, वो तो यही प्रत्यय बता रहा है कि थाल या था प्रत्यय। तो किम आदि सर्वनामों से प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय का हम योग करते हैं, और इसमें थाल का था शेष हमारा रहता है। जैसे देखिए यत यत प्लस थाल तो यथा। ठीक है, लास्ट में क्या रह रहा है अपना, था शेष रह रहा है। तद प्लस थाल तो तथा, सर्व प्लस थाल तो सर्वथा। ठीक है, उभय प्लस थाल तो उभय था। यानी कि हम यद शब्द जो है उसके साथ में थाल प्रत्यय का योग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यथा बन जाएगा। ठीक है, और तद शब्द के साथ में थाल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हम तथा बन जाएगा, है ना। तो सर्व शब्द के साथ में थाल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो सर्वथा हमारा ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए उभय प्लस थाल, उभय शब्द के साथ में थाल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उभय था बन जाएगा, क्योंकि इसमें थाल का क्या रहता है, था ही शेष रहता है, इसलिए हमारे शब्द जो है वो बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और भी चलते हैं। देखिए तस्य प्रत्यय क्या है, तस्य प्रत्यय प्रयाग प्लस तस्य, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया प्रयागतः। प्रयाग प्लस तस्य का करेंगे तो प्रयागतः। पंचमी विभक्ति के अर्थ में, पंचमी विभक्ति के अर्थ में तस्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी विभक्ति के अर्थ में, पंचमी विभक्ति के अर्थ में क्या तस्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तस्य का केवल तस भाग बचता है, तस्य का केवल क्या बचेगा, तस भाग बचेगा। तस्य प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं वे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कि तस्य प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाएंगे, वे अव्यय होते हैं, अव्यय होते हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होते हैं तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होते हैं तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देवदत्तः प्रयागात काशी गच्छति। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, देवदत्तः प्रयागात काशी गच्छति। इस वाक्य में देवदत्त जो है वो क्या हो रहा है, प्रयागराज से कहा जा रहा है काशी में जा रहा है, तो ये कहां से अलग हो रहा है, प्रयाग से अलग हो रहा है ना। देवदत्त कहां से अलग हो रहा है, प्रयाग से अलग हो रहा है। ठीक है, और अतः प्रयाग में क्या है, पंचमी विभक्ति है। प्रयाग में क्या है, पंचमी विभक्ति है, और प्रयागात के स्थान पर प्रयागत भी तस्य प्रत्ययांत का प्रयोग हो सकता है, और प्रयागात के स्थान पर क्या है, प्रयागतः, तो यहां क्या होगा, तस्य प्रत्ययांत का भी क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
यानी कि हमारा तस्ल जो प्रत्यय है उसमें ये बताया गया है कि पंचमी विभक्ति के अर्थ में तस्ल प्रत्यय होता है और तस्ल प्रत्यय केवल तस्ल प्रत्यय का केवल क्या बचता है, तस बचता है और उसके बाद में तस्ल प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं वे अव्यय होते हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होते हैं तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देवदत्त प्रयागात काशी, देवदत्त क्या कर रहा है, प्रयाग से अलग होकर के कहा जा रहा है काशी के लिए जा रहा है, वाक्य में देव अतः प्रयाग में क्या है पंचमी विभक्ति है, प्रयागत के स्थान पर प्रयागत तस्ल प्रत्यय अंत का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों आगे देखिए, जैसे उदाहरण क्या है तो इसमें बता रहा है पहले कि पंचमी पदानि तस्लम तस्ल पदानि, यानी कि ग्रामात रामात वृक्षात ठीक है फलात, ये क्या है पंचमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है दोस्तों जैसे देखिए ग्रामात, ग्रामात में क्या है ग्रामतः ग्रामतः और बनम दूरे नास्ति, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखिए वृक्षात, वृक्षात में है वृक्षतः वृक्षतः पत्राणि पतति, यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि वृक्षों से क्या हो रहे हैं पत्ते जो है वो क्या कर रहे हैं गिर रहे हैं। ठीक है यहाँ क्या है वन से दूर क्या है वह वनम दूरे नास्ति, ग्राम ग्राम वन से दूर नहीं है। ठीक है इसके बाद में जो है वाराणसी प्रयाग पश्चिमे वर्तते, और वाराणसी जो है वो कहाँ है प्रयाग के पश्चिम में है। ठीक है दोस्तों यानी कि हम यहाँ पर पंचमी पदानि तस्ल पदानि, यानी कि पंचमी विभक्ति कर रहे हैं और तस्ल प्रत्यय का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों देखिए नव दहलीत हरिद्वार नगरम उत्तरे वर्तते, और नव दहली नई दिल्ली कहां पे है हरिद्वार नगर के उत्तर में है। ठीक है दोस्तों आगे देखिए तस्मात इतः तस्मात ततः ततः आगच्छति, यानी कि ततः आगच्छति इस्मात इतः तो इतः आगच्छति इतः गच्छति एतस्मात इतः तो इतः गच्छति। ठीक है दोस्तों यानी कि हमारा जो ये तस्ल प्रत्यय जो है इसमें हम ग्रामात पंचमी विभक्ति जो है उसका ग्रामतः ग्रामतः वनम दूरे नास्ति। ठीक है दूसरा देखिए वृक्षा वृक्षतः वृक्षतः पत्राणि पतति, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है तीसरा वाराणस्य वाराणसीतः वाराणसी प्रयाग वाराणसी जो है वो कहाँ पे है प्रयाग के पश्चिम में है। नव दहलीत हरिद्वार नगरम उत्तरे वर्तते, और नई दिल्ली जो है वो हरिद्वार नगर के उत्तर में है। तस्मात ततः ततः आगच्छति, ठीक है तस्मात इतः इतः आगच्छति। ठीक है दोस्त यानी कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं तस्ल प्रत्यय को देख लिया है, यहाँ पर जो है वो हमारा तद्दित प्रत्यय जो है वो समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।